अब वर्डप्रेस की बेसिकली दो वेबसाइट्स हैं, दोनों में डिफरेंस समझ ले पहले, बाद में लोग उसको कंफ्यूज करेंगे क्योंकि लोग विजिट कर रहे होंगे wordpress.org को, ठीक है, wordpress.org। इसमें डिफरेंस क्या है और बाकी चीज़ों में डिफरेंस क्या है? बेसिकली wordpress.org वर्डप्रेस की अपनी वेबसाइट है जहाँ पे वो अपनी प्रोडक्ट्स लगाता है, लोग वहाँ से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं उनको। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को वर्डप्रेस का सेटअप चाहिए तो wordpress.org पे जाएगा, यहाँ से वर्डप्रेस को डाउनलोड करेगा, अपने सर्वर पे अपलोड करके उसको इंस्टॉल कर लेगा। मैनुअल चीज़ों से आप करते हो उसको मैनुअली। इसी तरह से आपको थीम चाहिए, आपको थीम्स मिल जाएंगे, प्लगइन चाहिए प्लगइन मिल जाएंगे, सपोर्ट चाहिए सपोर्ट मिल जाएगी आपको सारी। ये वो चीज़ है जो कि इनके अपने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। अगर आप फ्री ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो आपको विजिट करना पड़ेगा wordpress.com। ये बेसिकली आपकी वेबसाइट बनाने का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे ऑलरेडी मेरा ब्लॉग ओपन है तो मैं इसको इनकॉग्निटो मोड में ओपन करता हूँ ताकि आप लोगों को इसका पूरा प्रोसेस समझा सकूँ। wordpress.com सिंपल सा प्रोसेस है, इसको समझ लें। आप क्या करोगे, गेट स्टार्टेड, सारी डिटेल्स एंटर करोगे जैसे आप करते हो, आपका नाम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, क्रिएट योर ब्लॉग। आपके सामने कुछ और ऑप्शंस आएंगे कि आपका ब्लॉग किस नेम से होगा, व्हाट विल बी योर नेम। फॉर एग्जांपल, मैं इसको नाम दे देता हूँ फॉर द टाइम बीइंग नॉन टेक बैच 4, ठीक है। आप किसके बारे में लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे, एजुकेशनल है या आप इसको ये रहा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपका प्राइमरी गोल्स क्या है, आप चाहें तो सबको सिलेक्ट करने। बेसिकली सर्वे फॉर्म है जो कि वर्डप्रेस अंडरस्टैंड करने के लिए आपसे फिल करवा रहा है। आप चाहें तो सबको चेक कर दें, चाहें तो कुछ भी चेक ना करें। हाउ कंफर्टेबल यू आर विद क्रिएटिंग वेबसाइट्स, इसको जिस तरह मर्जी कर दें, नो इश्यूज, कंटिन्यू। अब यहाँ पे अपने प्रोडक्ट, अपने वेबसाइट का URL सेलेक्ट करना है आपने। अब URL क्या चीज़ है, आपके वेबसाइट का एड्रेस। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई न्यूज के बारे में ब्लॉग बनाना चाहता है, पाकिस्तानी टेक न्यूज, एंटर करेंगे आपके सामने देखें आ रहा है पाकिस्तानी टेक न्यूज, वेबसाइट इज अवेलेबल, बट वो ऑल्टरनेट, वो ये .com.tech वाली वेबसाइट जो होती हैं ये सारी प्रीमियम होती हैं। आपने किस पे जाना है, डायरेक्टली जाना है आपने .wordpress.com वाली वेबसाइट पे। देखें इसके साथ लिखा हुआ फ्री, ये इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है इसके साथ, इट मींस कि ये URL एड्रेस ठीक नहीं है मेरे लिए। मैं यहां पे कर देता हूं नॉन टेक बैच 4, अवेलेबल है, इसको मैंने सिलेक्ट किया। यहां पे आप फ्री करेंगे इसको, स्टार्ट विद फ्री, आप चाहें तो प्रीमियम भी कर सकते हैं अपने ब्लॉग को। मैं इसको फ्री, देखें यहां पे डिफरेंट उसमें फीचर्स बताए हुए कि कौन कौन से फीचर्स कहाँ कहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ अवेलेबल नहीं है जिसमें आप कोई चीज़ अपलोड कर सकें। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं कि आप प्लगइन अपलोड करें, कोई थीम अपलोड करें, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ऐसा ही है। यहाँ पे ऑप्शन आपके पास ऑल बिजनेस फीचर्स का मतलब ये है कि आप सब के सब
थीम्स या प्लगइन्स अपलोड कर सकते हैं खुद से, यहां पे आप कोई चीज अपलोड नहीं कर सकते। तो स्टार्ट विथ फ्री, इतना सा प्रोसेस है आपके साइन अप करने का। अब साइट पे जो चीजें आपको नजर आ रही हैं, ये सेम आपको वही नजर आ रही होंगी जो कि आपको तकरीबन ऑलमोस्ट जो ब्लॉगर पे अवेलेबल थी। मैं इसको वन बाय वन एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक इसका ये वाला हम डैशबोर्ड डिस्कस करेंगे, एक इसका एडवांस्ड डैशबोर्ड डिस्कस करेंगे। दोनों में डिफरेंस देख आप लोग देख लेंगे किस में चीजें ज्यादा आसान है करना। फॉर एग्जाम्पल व्यू वेबसाइट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका वेबसाइट का ओरिजिनल व्यू दिखा रहा होगा कि वेबसाइट आपकी इस टाइम दिखने में कैसी लगती है, जैसे ये है। ठीक है, आप चाहें तो इसका मोबाइल भी टैबलेट मोड भी चेक कर सकते हैं। इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस चेक। ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने का एक और तरीका ये भी होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है। आपने किसी वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस चेक करनी हो तो उसका वे देख लें एक और। जैसे मैंने ये ओपन किया, ठीक है, आप इसके अपने ब्राउजर के साइज को कम कर लें आप। ठीक है, जैसे ये है, इसको मैं जैसे जैसे रिड्यूस करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा स्क्रीन को। देखें देखें कर रहा है, ये देखें कर रहा है एडजस्ट। कंटेंट साइज जो है ना वो ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, ये मिनिमम साइज होता है स्क्रीन का, बढ़ाऊंगा उस तरह एडजस्ट करेगा। इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस चेक। ठीक है, ये एसईओ की एक वन ऑफ द कंडीशन है कि आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिवनेस कितनी है। आप चाहते हैं और इसका एडवांस चेक करना तो इसकी अपनी एक क्रोम की अपनी ही एक बहुत अच्छी सर्विस है। आप राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट में जाएंगे, ये रहा ऑडिट्स, ऑडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से रन ऑडिट करेंगे, आपको सारी डिटेल दे देगा कि वेबसाइट में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कहाँ कहाँ पर रिस्पॉन्सिवनेस में प्रॉब्लम आ रही है। खैर ये चीज़ें हम डिटेल में कवर करेंगे जब हम एसईओ कर रहे होंगे, लेकिन फिलहाल आपको रिस्पॉन्सिवनेस चेक करना आना चाहिए। ठीक है, ये स्टैट्स का मेन्यू है सेम लाइक ब्लॉगर, जहाँ पे आपको डिफरेंट स्टैट्स शो हो रहे होंगे रिलेटेड टू योर ब्लॉग। फॉर एग्जांपल आपकी व्यूज, विजिटर्स, लाइक्स, कमेंट्स, कंट्रीज, किस किस कंट्रीज। अब यहाँ देखें आपको और डिटेल शो हो रही हैं, किस किस कंट्री से आपको विजिट मिले, किन किन पेजेस पे आपको मिले, सर्च टर्म्स, किस किस सर्च टर्म के लिए आपका ब्लॉग रैंकिंग में शो हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरा आर्टिकल लिखा हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड, तो लोगों ने हेल्थ इश्यूज का वर्ड सर्च किया गूगल में, मेरा आर्टिकल टॉप 10 रैंक्स में आ गया, लोगों ने क्लिक किया उस पर, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा कि आपका आपका ये ब्लॉग हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड कीवर्ड पे फिफ्थ नंबर पे शो हुआ। ये ऑटोमेटिकली ट्रैक करेगा सारा। रेफरर्स या आपका रेफरल लिंक्स होते हैं कि किन किन वेबसाइट्स के थ्रू आपको ट्रैफिक आ रही है। वीडियोस, कौन कौन सी वीडियोस पे लोगों ने प्ले किया, अगर वीडियोस पोस्ट किए हैं आपने। ऑथर्स, कौन कौन से ऑथर्स पॉपुलर हैं, एक ब्लॉग पर डिफरेंट ऑथर्स भी काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट दोस्त मिलकर काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ शो कर रहा होगा कौन से ऑथर्स ज़्यादा पॉपुलर हैं, किसके आर्टिकल्स पे लोग ज़्यादा क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? नहीं, एक्चुअली पता क्या होता है, मेरा ये फ्री वाला ब्लॉग नहीं है, मेरे जो गूगल एनालिटिक्स है ना, जब हम उसको कवर करेंगे आपको वहाँ पे सर्च टर्म्स सारे दिखाऊंगा। ठीक है, एक्टिविटी, यहाँ पे आपकी अपनी एक्टिविटी शो हो रही होती हैं कि किस किस ऑथर ने कौन कौन सी चीज़ पब्लिश की है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ प्रीमियम है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, देखें ये कह रहा है कि आपको 30 दिन का ट्रायल मिल सकता है, बाकी चीज़ें आपको अपग्रेड योर प्लान, आपको प्रीमियम प्लान परचेज करना पड़ेगा। ये प्लान है आपका, आप जब चाहें इस प्लान को अपग्रेड करके डिफरेंट प्लान पे जा सकते हैं, प्रीमियम $3, $5 पर मंथ, $8 पर मंथ पे जा सकते हैं आप। ठीक है, मंथली होता है, पर मंथ। ठीक है, ये आपके साइट पेजेस हैं, आपने जो जो पेजेस बनाने होंगे वो यहाँ पे आपके अब बनेंगे। आप चाहें तो न्यू पेज बना सकते हैं, चीज़ें और ऐड कर सकते हैं, उसको देखेंगे। ठीक है, ये आपके ब्लॉग पोस्ट हैं, आप
जो ब्लॉग पोस्ट करना चाहें यहाँ से होगी आपके पोस्ट। आप नई न्यू ब्लॉग पोस्ट करनी है, आप ऐड के बटन को क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ब्लैंक पेज आ जाएगा जहाँ पे सारे वो ऑप्शंस मौजूद होंगे जो कि आपने ब्लॉगर पे फॉलो किए थे। ठीक है, ये देखें, सही है, चलिए हम उसको देखते हैं बाद में। उसके बाद मीडिया है, मीडिया में आपके सारे के सारे वो इमेजेस यहाँ देखें। आप कोई इमेज अपलोड करते हैं उसको कहीं ना कहीं सेव होता है इंटरनेट पे, वो तब यूजर्स को शो होता है वो। आप किस जो जो भी इमेजेस आप लोग अपलोड करेंगे वो सारे मीडिया में शो होंगी आपकी। ठीक है, ये आपके कमेंट्स का है, कमेंट्स का डिटेल में बहुत एक्सप्लेन किया हुआ मैंने कि आपके पेंडिंग कमेंट्स कौन से होते हैं, अप्रूव्ड कौन से होते हैं, स्पैम कौन से होते हैं और ट्रैश कौन से होते हैं। कौन एक्सप्लेन करेगा उसको, मिस आप कर दें सेंटर में जाके। ठीक है, मिस आप पेंडिंग ठीक है, तो पेंडिंग में और स्पैम में क्या डिफरेंस हुआ फिर? पेंडिंग को भी हमने अप्रूव कर लिया ना, स्पैम में बोल देंगे तो हमने अप्रूव नहीं किए थे, ये हमारी वेबसाइट पे शो नहीं हुआ। तो ट्रैश में कौन से जाएंगे? ट्रैश में हम डिलीट कर देंगे। तो फिर ट्रैश में स्पैम में क्या डिफरेंस हुआ? जी कौन एक्सप्लेन करेगा? जी नहीं नहीं आप अदर वो एंड पे इरेलेवेंट है, सही है। अब चलो मैं स्पैम कमेंट लिखता हूँ फिर देखते हैं रेलेवेंट है या नहीं है। अच्छा और बताओ, नहीं सर एक मिनट मैं उनसे पूछ रहा हूँ, अपनी भारी को बोला करें जी। ये लिखा आपके सामने, ये पेंडिंग कौन से हैं, अप्रूव्ड कौन से हैं, स्पैम और ट्रैश। अच्छा पेंडिंग में वो है जो पोस्ट हो गए हैं ब्लॉग पे। ठीक है जी, हंसना नहीं है, हंसी किस बात पे आ रही है? जी वो अप्रूव्ड हुआ है। ठीक है, इरेलेवेंट है। ठीक है, और पेंडिंग फिर एक मिनट, नहीं बारी आएगी आपकी जो एक्सेप्ट नहीं किया अभी हमने। ठीक है, नहीं बताओ ठीक है जी मिस। ठीक है, और चलें मैं आपको पब्लिसिटी का भी एक कमेंट लिख कर दिखाता हूँ पेंडिंग का और बाकी चीज़ों का, हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या होगा उसमें। आपने कहा कि ब्लॉग पे जो इरेलेवेंट कमेंट्स हैं वो स्पैम होंगे, आपने कहा अपनी पब्लिसिटी स्टार्ट कर देंगे तो वो स्पैम होंगे। मैं मेरा ब्लॉग एक टेक प्रोडक्ट से रिलेटेड है जहाँ पर मैंने लैपटॉप का रिव्यू दिया हुआ है। ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, हे दिस इज अ ग्रेट पोस्ट बट आई डोंट एग्री विथ योर लिस्ट, यू हैवंट एडेड मैकबुक प्रो विथ टच बार, this is a great laptop एग्जाम्पल। ये मेरा एफिलिएट लिंक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ठीक है, एफिलिएट लिंक है मेरा, मैंने कॉपी किया और इस कमेंट के नीचे डाल दिया। क्या ये स्पैम लिंक है? प्रमोशन तो मैं कर रहा हूँ, बताएं जी स्पैम है या वो है? इस लिंक का कमेंट से ताल्लुक नहीं है। स्पैम वो कोई भी कमेंट होता है जिसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाए, आपका और आपके कस्टमर के खिलाफ। क्या स्पैम कमेंट ये है या स्पैम कमेंट ये है? डिफरेंस देखिएगा दोनों बड़े अच्छे से।
यह स्पैम कमेंट था या पहले वाला स्पैम कमेंट था? तो हर प्रोडक्ट प्रमोशन या हर कमेंट में लिंक इज नॉट स्पैम। मैं इसके एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको। एग्जांपल, मेरा आर्टिकल हेल्थ इश्यू से रिलेटेड है, साइकोलॉजी से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। हे, आई नो यू आर अ ग्रेट साइकोलॉजिस्ट, यू हैव रिटन अ ग्रेट आर्टिकल, हैव यू विजिटेड एंड रेड दिस आर्टिकल। यहां पर मैं अपने आर्टिकल का लिंक ऐड कर देता हूं, क्या ये स्पैम है? लोगों को मैं मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा हूं इससे, ये स्पैम नहीं है, हालांकि प्रमोशन मेरी हो रही है। दिस इज कॉल्ड ब्लॉग कमेंटिंग। ब्लॉग कमेंटिंग में अगर आप मोर देन वन लिंक्स ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिकली स्पैम में जाएगा, स्पैम होगा वो। तो अब डिफरेंस आप समझ लें गौर से, कि इस चीज को माइंड से निकाल दें कि हर ब्लॉग, अगर ब्लॉग में हम अपनी प्रमोशन कर रहे हैं वो स्पैम है, नहीं ऐसा नहीं होता कभी भी। ब्लॉग कमेंटिंग इज वन ऑफ द टेक्निक ऑफ SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक है ब्लॉग कमेंटिंग। तो पेंडिंग में वो कमेंट्स होते हैं, अगर हमने वहां पे कंडीशन लगाई हो कि कोई भी कमेंट विदाउट माय अप्रूवल पोस्ट ना हो ब्लॉग पे, तो हर जो कमेंट होगा पेंडिंग में आएगा, वहां से अप्रूव करूंगा तो वो अप्रूव पर चला जाएगा। क्लियर? स्पैम में वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि कौन सा कमेंट स्पैमी लग रहा है, जिसमें बहुत ज्यादा कमेंट्स हैं, वर्ड्स कुछ ऐसे यूज होंगे जो कि स्पैमी वर्ड्स हैं, तो वो ऑटोमेटिकली स्पैम में चला जाएगा। अगर वहां से आप उसको एडिट करके अप्रूव करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको डायरेक्टली ट्रैश में भेज सकते हैं। यहां से भी आप अप्रूव्ड कमेंट जो आपको लगते हैं कि अच्छे नहीं है डिलीट कर देने चाहिए, आप उसको ट्रैश में भेज सकते हो। समझ आ गया डिफरेंस? अब पेंडिंग वो है जो कि पेंडिंग ही पड़े हुए, आपने अप्रूव नहीं किया उसको। अप्रूव्ड, अप्रूव्ड वंस, स्पैम, स्पैम, आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया स्पैम का, और ट्रैश, डिलीटेड वंस, टेम्पररी डिलीट हो गया, आप उसको रिकवर कर सकते हो। फीडबैक, ये समझ लें आपके टेस्टिमोनियल्स होते हैं, इसको भी रहने दें फिलहाल। प्लगइन्स, वर्डप्रेस में दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो कि आप ना कर सको। वर्डप्रेस इतना फ्लेक्सिबल है, दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं हो कि आप वर्डप्रेस में आप नहीं कर सकते, वेबसाइट और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, बट विद द हेल्प ऑफ प्लगइन्स एंड थीम्स। अब ये फ्री वर्जन आपको अपलोड करने की परमिशन नहीं देता, आप जब अपलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, इट रिक्वायर्स बिजनेस प्लान, तो आप कोई चीज अपलोड नहीं कर सकते। इंपोर्ट, अब ये जो मेन्यू है, आपकी कोई पुरानी वर्डप्रेस वेबसाइट ब्लॉग बनाया था आपने, उसका बैकअप सेव किया हुआ था आपने, उसका बैकअप आपने इस वेबसाइट पे लेके आना है। आप वेबसाइट के बैकअप को इंपोर्ट करते हो, अगर आपने लोकल होस्ट से आ सकती है इंपोर्ट सारी, ठीक है, तो आप इंपोर्ट करते हो उसको। फॉर एग्जाम्पल, आपने ब्लॉग बनाया था नॉन टेक बैच 4, अब नॉन टेक बैच 5 आ गया, तो नॉन टेक बैच 4 का मैं ब्लॉग खत्म करना चाहता हूँ, उसका सारा डेटा उठा के बैच 5 पे लेके आना चाहता हूँ, उसका बैकअप लूंगा वहां से मैं। बैकअप को क्या कहेंगे हम, बैकअप एक्सपोर्ट करना, और बैकअप को इंपोर्ट करना ही होता है कि वेबसाइट मूव करके दूसरी पुराना मटीरियल न्यू वेबसाइट पे लेके जाना, तो यहां पे मैं इसको इंपोर्ट कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेम जिस तरह आप लोग वहां पे लेआउट के मेन्यू में गए थे आप लोग, ये उसका लेआउट का मेन्यू है किस्म का, जहां पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, बट इसका फायदा ये है कि जो चेंजेस आप यहां पे करोगे आपके सामने यहां शो होती रहेंगे साइट बार। जैसे फॉर एग्जाम्पल साइट आइडेंटिटी है, लोगो आप ऐड करना चाहते हैं, लोगो आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगो ऐड करके देख लेते हैं, जैसे ये लोगो है, लोगो ऐड किया मैंने, ठीक है, ये मेरा लोगो ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये देखें आपके सामने
इसका साइज आप रिड्यूस करना चाहें साइज भी रिड्यूस कर सकते हैं. क्लियर. इसके बाद आप साइट टाइटल जो आपके सामने ये जो नॉन टेक बैच 4 शो हो रहा है आप इसको कर सकते हैं. लेट्स ठीक है. टैगलाइन आप ऐड करना चाहें ठीक है. टैगलाइन आपकी मेन जो आपके हेडिंग है या आपकी सारी टाइटल उसके नीचे शो होगी. आप फेविकॉन ऐड करना चाहें. फेविकॉन क्या होता है? फेविकॉन क्या होता है मिस आप बता दें. इन पे कहाँ पे आइकॉन? ये जो ये वाला आइकॉन शो हो रहा है ना आपके मेन्यू ब्राउजर में ये वाला इसको आप इसको कहते हैं हम फेविकॉन. आप फेविकॉन चेंज करना चाहते हैं फेविकॉन आप यहाँ पे लगा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको मैं दिखा देता हूँ चेंज इमेज फेविकॉन. सेलेक्ट ठीक है. देखें आपका फेविकॉन इस तरह से शो होगा यहाँ पे ठीक. फुटर क्रेडिट ये जो फुटर क्रेडिट है ना ये जो आपके फुटर में ये चीज शो हो रही है क्रिएटेड अ फ्री वेबसाइट और ब्लॉग एट wordpress.com ये चीज है. आप इसको अगर आपकी प्रीमियम वेबसाइट है तो आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं कि क्रिएटेड बाय दिस कंपनी. बट ये जो आपका क्योंकि फ्री वर्जन है आप यहाँ पे ये चीजें चेंज कर सकते हो कि आप wordpress.com शो करवा दो या आप जो ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं वर्डप्रेस का लोगो आ जाए wordpress.com आ जाए बाकी चीजें जो सारी हैं. आपने हाइड करना है इसको तो फिर आपके आपको बिजनेस प्लान रिक्वायर्ड होगा. आप इसको पब्लिश करेंगे चेंजेस को जो चीजें हमने यहाँ पे अप्लाई की हैं वो सारी हमारी वेबसाइट पे सेव हो जाएंगी ठीक है. ये बैकएंड है जिसे आप कर रहे हैं बैकएंड जी जी बैकएंड है ठीक है. अगर आप हम अपनी वेबसाइट को विजिट करते हैं टैगलाइन चेंज हो गई ऊपर ये देख लें. लेट्स लर्न टुगेदर वन स्टॉप सॉल्यूशन टू योर लर्निंग जर्नी. फेविकॉन भी चेंज हो जाएगा और जो लोगो हमने ऐड किया था लोगो भी आ गया. क्लियर समझ आ गई इसकी. अच्छा अब जाएंगे आप बैक यहाँ पे फीचर्ड ये बेसिकली फीचर्ड पोस्ट के बारे में इसको रहने दें अभी बाद में देखेंगे इसको. स्टाइल्स हैं ये कलर बैकग्राउंड जो आप करना चाहते हैं अपने अपने ब्लॉग का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहें या कोई इमेज ऐड करना चाहें वहाँ पे जैसे देख लें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं ठीक है. देख लें ठीक है. मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप सिलेक्ट इमेज आप ये चाहते हैं एडेड ठीक है. देखें आपका इमेज ऐड होगा चाहें तो आप इसको डिफॉल्ट कर दें तो आपका ये सारा डिफॉल्ट में चला जाएगा. क्लियर. अच्छा जी उसके बाद आप फॉन्ट में आ जाएं. फॉन्ट चेंज कर सकते हैं आप अपने डिफरेंट जो फॉन्ट करना चाहें अपने बॉडी का टेक्स्ट का या हेडिंग का. कंटेंट ऑप्शंस डिस्प्ले सिंगल पोस्ट करवाना चाहते हैं आप डेट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते हैं. डिस्प्ले कैटेगरी आप कैटेगरी शो करवाना चाहते हैं ब्लॉग पे तो आप कैटेगरी भी शो करवा सकते हैं. टैग्स बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो आपको पता है ब्लॉगर की ठीक है. ऑथर की डिटेल आ जाए डिस्प्ले कमेंट लिंक और बाकी सारी चीज़ें. विजेट्स आपको सबको पता है अच्छे से पता है या नहीं पता? ये विजेट्स आप ऐड कर सकते हैं जिस तरह आपने ब्लॉगर पे ऐड किए थे सारे देखिए विजेट शो हो रहे हैं आपके पास. अच्छा इसके बाद होम पेज सेटिंग है सही है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. विजिट्स ये बेसिकली होम पेज सेटिंग क्या है यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन शो हो रहे हैं एक होम पेज और एक ब्लॉग पेज. अगर आप चाहते हैं कि यूजर जब आपके वेबसाइट पर लैंड करे वो डायरेक्टली ब्लॉग पेज पर लैंड ना करे वो होम पेज पर लैंड करे. फॉर एग्जांपल जैसे ये वेबसाइट ठीक है आप चाहते हैं कि यूजर आपके होम पेज पर लैंड करे जहां पर आप डिफरेंट चीजें सेल कर रहे हो अपनी वो है आपने ब्लॉग का पेज डिफरेंट कर दिया
या अगर आपका डायरेक्टली ब्लॉग है, जैसे माइग्रेशनोलॉजी मैंने बताया आपको, ये रहा, अब यहाँ पे यूजर डायरेक्टली कहाँ लैंड कर रहे हैं, ब्लॉग पे। अगर मैं स्टोर पे जाना है तो मैं स्टोर का बटन प्रेस करूंगा तो स्टोर पे जाएगा। ये दोनों वेबसाइट्स अपोजिट हैं, देख लें, एक ई कॉमर्स स्टोर है और वहां पे ब्लॉग का लिंक लगा हुआ है, और एक ब्लॉग है वहां पे स्टोर का लिंक लगा हुआ है। लोग डिफरेंट वेब पेजेस पे लैंड कर रहे हैं, वहां पे एक पे शॉप के पेज पे लैंड कर रहे हैं और एक पे ब्लॉग के पेज पे लैंड कर रहे हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं कि यूजर आपके डायरेक्टली ब्लॉग पे लैंड करे तो यहां से आप ब्लॉग सेलेक्ट कर लेंगे और इसको आप होम पेज कर देंगे, ठीक है। या आप चाहते हैं कि आपकी जो सारी की सारी पोस्ट है वो एक पेज पे शो हो और आपका होम पेज अलग रहे, होता है ऐसा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मेरी सारी की सारी प्रोडक्ट्स यहां पे रहें और मेरा ब्लॉग पोस्ट जो होंगी वो अलग पेज पे शो हो, तो उसके लिए भी ऑप्शन है कि आप होम पेज अलग बना देते हो और ब्लॉग पेज अलग बना देते हो। ये वाला होम पेज है, ठीक है, यहाँ पे आपका ब्लॉग का लिंक अलग लगा हुआ, देखिए इसको हम डिटेल में कवर करते हैं, इसकी फिक्र ना करें, समझ आ जाएगा आपको, कन्फ्यूजन होगी, आई नो अभी आपको समझ नहीं आ रही होगी, इसमें हम इसके जब बैकएंड मेन्यू में जाएंगे आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ आ जाएंगे। इतना क्लियर है सबको? चलें, एक तो इसका ये स्मार्ट सा मेन्यू था, अब थोड़ा सा डिटेल्ड मेन्यू में जाते हैं कि वो क्या कहता है। सही है, हम डिटेल्ड मेन्यू में जाते हैं। अगर आप डिटेल मेन्यू में जाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के, तो आप क्या करेंगे, सिंपली अपना ये जो URL आपका कॉपी करेंगे, ये लिखेंगे /wp-admin, ये आपका मेन्यू का URL होगा, जो के डैशबोर्ड कहते हैं इसको, ये सिंप्लीफाइड वर्जन है आपके डैशबोर्ड का। ये देखें, डिफरेंट है उससे। आप देखें, यहां पे देखिएगा आप लोग, ये सारी चीजें वही हैं जो हमने डिस्कस कर ली हैं। आप पोस्ट के बटन पे प्रेस करेंगे तो आपकी सारी की सारी पोस्ट जो आपने की हुई हैं वो यहां पे शो होंगी इन अ बेटर वे। ये देखें, स्टैट भी शो होंगे आपके यहां पे, टाइटल, ऑथर की डिटेल सारी यहां पे शो होंगी। अगर आपने पोस्ट ऐड करनी है न्यू, तो आप न्यू के बटन पे प्रेस करेंगे और आप न्यू पोस्ट कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, आप पोस्ट का टाइटल ऐड करेंगे, उसकी बॉडी ऐड करेंगे, सारी चीज़ें आप वैसे ही करते जाएंगे, H1, H2, H3, ठीक है। अभी मैंने अपना ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से मुझे इसके ऑप्शन शो नहीं हो रहे। ईमेल आईडी वेरीफाई करने के बाद आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शंस हम ब्लॉगर में करते हुए बहुत हमें मुश्किल होती थी, जैसे हमने कैटेगरीज बनानी है डिफरेंट पोस्ट की, वो वहाँ पे डिफिकल्ट है, यहाँ बहुत इजी है। आप कैटेगरी बनाएंगे यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आप डिफरेंट कैटेगरीज पे काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप न्यूज की साइट है तो आप करेंगे करंट न्यूज एड स्पोर्ट्स। अब कुछ लोग कह रहे थे कि सर स्पोर्ट्स में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, ऐसा ही है, उसको कैसे मैनेज करना है आपने, आप यहाँ लिखेंगे क्रिकेट
ये पेरेंट कैटेगरी आपके सामने आ रही है। अब इस अब क्रिकेट की पेरेंट कैटेगरी कौन सी होगी? स्पोर्ट्स। आप ऐड न्यू ऐड करेंगे तो ये देखें स्पोर्ट्स, ये इसके साथ ये साइन नजर आ रहा है आपको, इट मींस ये कैटेगरी इसके अंडर आ रही है, क्रिकेट स्पोर्ट्स के अंडर आ रही है। इसी तरह से आप करंट न्यूज या करंट न्यूज में डिफरेंट और न्यूज होती हैं, पॉलिटिकल हो गई फॉर एग्जांपल, पॉलिटिकल न्यूज इसकी कौन सी होगी? न्यूज, करंट न्यूज, ठीक है, ऐड कर दिया मैंने। इसके अलावा वेदर, ठीक है, इसकी कौन सी होगी? करंट न्यूज होगी इसकी। ये इटसेल्फ एक सेपरेट कैटेगरी है। अगर आपने सेपरेट कैटेगरी करनी है तो आप यहां कर देंगे नन, आपने कैटेगरी ऐड कर दी यहां पे, ठीक है, ये कैटेगरीज आपने ऐड कर दी। अब आप चाहते हैं कि सर जो पोस्ट हमारी स्पोर्ट्स में आए, क्रिकेट में आए, वो किसी कैटेगरी में शो ना हो, ऐसा होता है? डिफरेंट पेजेस बने होते हैं। अब देखें यहाँ तो सिंपल एक ही चीज आ रही है, होम, ब्लॉग। यहाँ पे आप चाहते हैं कि टॉप मेन्यू में हमारी वो कैटेगरी शो हो जाए, जब यूजर उस पर अपना एरो लेके जाए वहां पे क्रिकेट डाउन में आ जाए, वो चीजें किस तरह करनी है? आज वो सिर्फ उतना करेंगे हम पार्ट, बाकी चीजें कल पे रखेंगे, हमारे 3 दिन लगेंगे इस पे, आप लोग माइंड में रखिएगा। मेन्यू बनाना सीख लेते हैं हम लोग, मेन्यू कैसे क्रिएट करना है आपने। अब देखें आपने अगर मेन्यू क्रिएट करना है तो यहाँ पे आपके पास अपेरेंस और यहाँ पे मेन्यू आ रहा है, ठीक है, मेन्यू में जाएं आप, आपके सामने जो मेन्यू देखें, जो यहाँ पे चीजें शो हो रही है, कौन सी हो रही है? होम, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट। जब मैं मेन्यू के ऑप्शन में गया तो मेरे सामने ये चीजें शो हो रही हैं, ऐसा ही है। मैं इन सब को रिमूव कर देता हूँ फॉर द टाइम बीइंग। रिमूव करने का प्रोसेस सेम है, आप एरो को ड्रॉप करेंगे और रिमूव। अब आप कहेंगे कि हमें तो यहाँ पे कैटेगरी नजर ही कहीं नहीं आ रही, तो ये देखें कैटेगरीज हैं आपके सामने, इस पर क्लिक करेंगे आप फिर कोई कैटेगरी नहीं है, तो व्यू ऑल जैसे ही करेंगे आपके सामने वो सारी कैटेगरीज आपके सामने आ जाएंगी। आप वन बाय वन सबको सिलेक्ट करेंगे या सिलेक्ट ऑल का बटन प्रेस कर सकते हैं, सिलेक्ट ऑल का बटन प्रेस करके ऐड टू मेन्यू। इतना सा प्रोसेस है मेन्यू में ऐड करने का, मेन्यू क्रिएट करने का। आप ऐड किया, सेव मेन्यू किया। अभी आपने मुझे इसमें एरर बताना है, हमने मिस्टेक क्या की है। मैंने मेन्यू सेव किया और अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश किया, क्या मिस्टेक हो रही है? ये बेसिकली क्यों नहीं शो हो रही? क्योंकि मैंने अपनी वेबसाइट का ईमेल आईडी नहीं करवाया, वो करवा लेता हूँ एक बार, ठहरें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं एक बार। अब वेबसाइट को हम विजिट करके देखते हैं।
यहाँ तो कुछ शो नहीं हो रहा, देख लें। या अगर हम डिफरेंट ब्राउजर भी चेक कर लेते हैं, या एक और इनकॉग्निटो ऐड ओपन करते हैं, देखें कुछ नहीं शो हो रहा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मेन्यू को ज़रा सेटल करते हैं, मेन्यू सेटलमेंट प्रोसेस देख लें। ये पेंडिंग क्यों आ रहा है अभी तक? ठीक है, इसको मैंने सेव किया। देखें आ गया मेन्यू, इसमें एरर क्या है इसमें? और कैटेगरीज आ रही है लेकिन सारे की सारी मेन्यू में आ रही है, उसको कैसे सेट करना है आपने वो देख लें आप लोग। आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल न्यूज करंट न्यूज के अंडर आना चाहिए, इसको ड्रैग करेंगे थोड़ा सा आगे की तरफ, ये सब आइटम्स बन गया। ठीक है, इस स्पोर्ट्स न्यूज है सब मेन्यू अंडर हो गया, अनकैटेगराइज नहीं शो होनी चाहिए हमारे मेन्यू में, हम इसको रिमूव कर देंगे। तो वेदर इटसेल्फ एक सेपरेट कैटेगरी, आप इसको सेव करें। वेबसाइट को रिफ्रेश करें, ठीक है, ये आपके सब मेन्यू बन गया। अब मेन्यू क्रिएट करना आ गया सबको, मेन्यू क्रिएशन में कोई प्रॉब्लम? आपने जितनी भी कैटेगरीज बनानी है उसकी सब कैटेगरीज को ड्रैग करना है, ड्रॉप कर देना, ड्रैग करना है। अब फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स न्यूज है, मैं दोबारा कैटेगरीज में जाते हैं हम लोग, ठीक है, स्पोर्ट्स न्यूज है, क्रिकेट है, क्रिकेट में डिफरेंट और आपकी न्यूज होती है, फॉर एग्जाम्पल IPL से रिलेटेड, PSL से रिलेटेड, बिग बैश से रिलेटेड, ऐसा ही है। अब वो क्रिकेट की सब कैटेगरीज हैं, अब वो कैसे क्रिएट करनी है आपने वो देख लें। फॉर एग्जाम्पल IPL, इसकी पेरेंट कैटेगरी कौन सी होनी चाहिए? क्रिकेट होनी चाहिए हमारी, ठीक है, ऐड टू कैटेगरी। इसी तरह से BPL क्रिकेट सेव, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, इसको अपने मेन्यू में दिखाना है, दोबारा मेन्यू में जाएंगे आप, रिफ्रेश करेंगे उस पेज को, या दोबारा विजिट कर लेंगे, कैटेगरीज में जाएंगे, व्यू ऑल, आपके आपके सामने देख लें BPL और IPL आ रही है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे और ऐड टू मेन्यू कर देंगे, ये यहाँ पे आ गई। अब इसको आप ड्रैग करेंगे, यहाँ ले जाऊँ इसको मैं, ठीक है, अभी है यहाँ ले जाऊँ, ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, ये नहीं ठीक, थोड़ा सा और आगे करें इसको, ये देखें जी, अब ये सब आइटम ऑफ क्रिकेट बन गया है। इसी तरह से आप IPL को भी यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, सेव करें मेन्यू को, इसको रिफ्रेश करें, स्पोर्ट्स क्रिकेट BPL IPL, ठीक है, इन द एंड समझ आ रही है आपको? बिल्कुल बैक पे जो बैठे हैं, आ रही है समझ आपको? समझ आ रही है? आ रही है सारी? साथ साथ ये परफॉर्म कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो उधर जी? यही साथ साथ कर रहे हो? नहीं, वो तो लैपटॉप पे क्या कर रहे हो? व्हाट ओपन किया था ठीक है, क्रिकेट सर, इसमें अगर T20 या टेस्ट मैच की इसके मजीद सब कैटेगरी बनानी हो तो मुझ तरह ही बनेंगी सारी कैटेगरीज जैसे बनाई है मैंने, जितनी मर्जी कैटेगरीज बना लो आप। T20 है उसके लिए BPL और IPL होगा, वैसे क्रिकेट जो है हाँ सही है। नहीं, इसकी बात ठीक है, इसकी बात ठीक है, हंस रहे हैं सारे। नहीं, उसकी बात और कह रहा है। अब मैं अब इसकी बात को हम फॉलो करते हैं, ये बात क्या कर रहे हैं बेसिकली मैथ कॉम वालों, ये कह रहे हैं कि T20 आएगा, T20 में आपका IPL BPL आएगा, टेस्ट मैच आएगा, टेस्ट मैच की आगे सब कैटेगरीज कोई हो सकती हैं, वनडे आएगा, वनडे की अलग कैटेगरीज हो सकती हैं, वर्ल्ड कप की और बाकी चीज़ें, वो कैसे होगा देख लो आप।
मज़ीद कैटेगरी क्रिएट करोगे, एक T20 क्रिकेट आएगा इसकी क्या सब कैटेगरी, ऐड टेस्ट ऐड ठीक है ऐसा है? आप कह रहे हैं ऐसे है ठीक है। अब आप क्या करोगे, अपने मेन्यू में जाओगे, रिफ्रेश करोगे इसको, कैटेगरीज व्यू ऑल। अब आप क्या करोगे, बीपीएल आईपीएल वनडे टी20 टेस्ट इन सबको ऐड कर दोगे मेन्यू में। अब ये आपकी सेटिंग है, अब आप किस तरह करते हो इसको, मैंने ऐड कर दिया इसको। अब जो सेटिंग मैं करूँगा इसकी वो आप लोग देख लें। फॉर एग्जाम्पल मैं टी20 को क्रिकेट की सब कैटेगरी बना दूंगा। देखें आप समटाइम ऐसा होगा कि ड्रैग नहीं हो रहा होगा, आप क्या करोगे इसको, इसको क्लिक करोगे और इसको अप वन कर दोगे, अप वन करोगे तो ये टॉप पे चला जाएगा, डाउन करोगे डाउन पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप इसको आउट फ्रॉम क्रिकेट करना चाहते हो तो आउट फ्रॉम क्रिकेट हो जाएगा ठीक है। इस तरह सेटिंग होगी इसकी, ये आना चाहिए क्रिकेट के अंडर, ये आ गया। अब बीपीएल आईपीएल सारा टी20 का पार्ट होगा, वनडे एक सेपरेट कैटेगरी बनेगी हमारी क्रिकेट के अंडर, टेस्ट एक सेपरेट कैटेगरी बनेगी हमारी क्रिकेट के अंडर ठीक है। इसको सेव किया मैंने, इनको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हमारे हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। सेव किया मैंने, रिफ्रेश करें, रिमूव सेव ठीक है। देखें स्पोर्ट्स क्रिकेट टी20 में आईपीएल वीपीएल अभी इसके नीचे आ रहा है, वजह क्या है ये देखिए, हमने इसकी टी20 के अंडर किया हुआ, इसको इसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे सेव। अब ये सारी टी20 की सब कैटेगरी बन जाएगी वो, ये देखें क्रिकेट ये टी20 आईपीएल, यही बात कर रहे थे आप ठीक है। मेन्यू क्रिएशन का प्रोसेस समझ आया कुछ, इतना काफी है आप लोगों के लिए या और आगे पढ़ लें कुछ? मान सर दर्द कर रहा है, पैराडॉल लेके आया करो साथ आइंदा से, अब यही हुआ करेगा। डिसिप्लिन जी, फ्री वाले हैं, प्लगइन आप अपलोड नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको 1600 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, तो 1600 रुपये खर्च करें ना फिर आप। वो तो मैं सिखा दूंगा, ठीक है डन। प्लगइन जनरेट कर करने डोनेट होते हैं, मुझे डोनेशन दिया करो आपको प्लगइन मिल जाएंगे, जो प्लगइन कहोगे मिल जाएगा। चलो मैं इसको मान लो आपको मैं डोनेट कर दूंगा प्लगइन, जितने प्लगइन कहोगे डोनेट कर दूंगा आपको ठीक है। आप लोगों के लिए मैंने पूरा पैकेज क्रिएट किया होता है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ सिर्फ एक नज़र कि आप लोगों के पैकेज में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। वर्डप्रेस के फ्री पैकेज जो आप लोगों को मिलेगा, आपको मैं कुछ कॉस्टिंग्स भी दिखा दूंगा उसकी, गुजरात ऑन टेक वर्डप्रेस वर्डप्रेस हेवन, ये सारे जो चीज़ें यहाँ पड़ी हैं इनकी कॉस्ट हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स है, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल चलें मैं आप लोगों को एक प्लगइन दिखा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल वर्डप्रेस रॉकेट दिखा देता हूँ आप लोगों को, वर्डप्रेस रॉकेट ये बेसिकली स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का प्लगइन है वर्डप्रेस रॉकेट। आपको इसकी कॉस्ट दिखाता हूँ, शायद मुझे मिल जाए कहीं पर,
कितनी कॉस्ट है? ये सिर्फ एक प्लगइन की कॉस्ट है, आप लोगों को मिल जाएगा सारा फ्री। क्यों मुझे ऐसी बातें करने मजबूर करते हैं, मेरा मुंह खुल जाए क्योंकि सुबह सुबह लाइफ टाइम मिल जाएगा यार, याची करना लाइफ टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको सारे के सारे प्लगइन, सारे थीम जो मेरे पास अवेलेबल हैं, आप सबको मिल जाएंगे वो, ठीक है। और देखा जाते हैं कॉस्ट, या काफी है इतना? ठहर जाओ, ये देख लें जी, आपके पास ये चीज डीवी थीम, जी डेट्स, इसकी कॉस्ट भी अराउंड $50 है मेरा ख्याल शायद। तो जितनी चीज़ें यहाँ पे सारी ये परचेज की हुई हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो फ्री ऑफ कॉस्ट या विदाउट लाइसेंस हो, ठीक है। तो आपको सारा पैकेज मिल जाएगा, जब हम वर्डप्रेस कर रहे होंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको मिलते रहेंगे, अदरवाइज आप लोग खुद ट्राई करोगे, कन्फ्यूज होते रहोगे, फिर बाद में मुझे तंग करोगे सर ये नहीं हो रहा ये नहीं हो रहा। जो चीज़ हम करेंगे यहाँ पे आपको उसका थीम मिल जाया करेगा या उसका प्लगइन मिल जाएगा, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन, कोई क्यूरी, कोई बात डिस्कस करना चाहते हो?